पूरी दुनिया में आगरा को ताजमहल की खूबसूरती से जाना जाता है, लेकिन ताजमहल से थोड़ी दूर पर हालात ऐसे हैं कि आप तस्वीर देखकर हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये थाना पर्यटन से महज 100 मीटर की दूरी की है, जहां पर सब्जी विक्रेताओं ने सड़क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और सड़क को बंद कर दिया है। इस सड़क को कब्जा मुक्त करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन सब्जी विक्रेताओं की दबंगई के आगे पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से बौना साबित हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रोड से तमाम देशी विदेशी पर्यटक गुजरते हैं, लेकिन रास्ता ना होने की वजह से उनको दूसरी सड़क से जाना पड़ता है। पर्यटन थाने के पास इस तरह के हालातों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश और दुनिया में आगरा की छवि क्या जा रही होगी। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस और प्रशासन इस अवैध मंडी पर कब एक्शन लेगा, जिससे ये सड़क कब्जा मुक्त हो जाए और आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी सहूलियत हो जाए। शहर की सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए मंडल कमिश्नर रितु महेश्वरी ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि शहर की सड़कों और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण ना हो पाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम खड़े हैं बसई के 100 फुटा रोड पर। तमाम जो फुटपाथ है, सड़क है, यहाँ कब्जा कर रखा है ठेल लगेल वालों ने। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर पर्यटन थाना है, जिसका रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। 100 मीटर की दूरी पर बसई चौकी है, जहाँ बिल्कुल ठेल ढकेल वालों ने फुटपाथ से लेकर सड़क पर कब्जा कर रखा है। तमाम मंडल कमिश्नर के आदेश के बाद भी जो अधिकारी हैं उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। ये रोड जो है 100 फुटा रोड है, सबसाबार रोड को फतेहाबाद रोड से जोड़ने वाला रोड है। 100 मीटर पर पर्यटन थाना, 100 मीटर पर बसई चौकी है, उसके बावजूद भी यहाँ लगातार अतिक्रमण सुबह से लेकर शाम तक बना रहता है और जाम लगा रहता है। अपने साथी मुकेश के साथ ब्रज किशोर शर्मा, DG महाराजा न्यूज, आगरा।